मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का साबिक DGISI फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालिबा। कहा फैज हमीद ने 4 साल इमरान हुकूमत की हिमायत करके मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया। इनका सिर्फ कोर्ट मार्शल काफी नहीं, इन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। इमरान खान जाने वाले चीफ का गिरेबान और आने वाले चीफ के पांव पकड़ रहे हैं। इनकी जनरल बाजवा पर तनकीद बुजदिली की अलामत है। नून लीग के जनरल बाजवा पर तनकीद ना करने के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो उस वक्त जनरल बाजवा का नाम लेकर तनकीद की थी जब वो आर्मी चीफ थे। अदलिया पर तनकीद करते हुए बोली, नून लीग और दूसरी जमात के लिए इंसाफ का मैयार अलग अलग है। नून लीग के केसेस में ऐसा बेंच बनाया जाता है जिसके बनते ही पता चल जाता है कि फैसला क्या आएगा। चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी बताया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और पैगाम भिजवाया, मगर मेरा जवाब यही था कि बतौर आर्मी चीफ मेरा क्या काम है कि मैं सियासतदानों से मुलाकात करूं। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को पैगाम दिया कि मसाइल जरूर है मगर पाकिस्तान में सब बुरा नहीं है, मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और पैगाम भिजवाया, मगर उनका जवाब था कि सियासतदान खुद आपस में मिलकर सियासी मसाइल हल करें, फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर रहनुमाओं के साथ दो टोक गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सामने आ गई। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को पैगाम दिया कि मसाइल जरूर हैं मगर पाकिस्तान में सब बुरा नहीं है, मिलकर मसाइल को निकालेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार ने ताजर रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी और इत्मीनान दिलाया कि IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा और दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे। PTI की लाहौर में रैली निकालने और पुलिस की रोकने की तैयारी। PTI कारकुनों को मुंतशर करने के लिए पानी की तोप चला दी, कारकुनों को हिरासत में भी लेना शुरू कर दिया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि रैली कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी, जमान पार्क आने वाले रास्ते बंद किए जा रहे हैं। वज़ीरे दाखला राना सनाउल्ला का कहना है कि उन्हें रूट शेयर करने का कहा था मगर इमरानी टोला किसी कायदे कानून को खातिर में नहीं लाता। इमरान खान ने वही जगह चुनी जहां औरत मार्च हो रहा है, अपने फितने को भी बीच में उजागर करने की कोशिश की। फैज हमीद के खिलाफ तहकीकाती इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी में कोई पेशरफ्त हुई तो सामने आ जाएगी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुकूमत नहीं, इदारा ही कर सकता है। ख्वातीन के अपने हुकूक के लिए आवाज़, लाहौर और इस्लामाबाद में औरत मार्च, ख्वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत, अपने हुकूक के लिए ख्वातीन के नारे, तहफ्फुज़ और सिन्फी मसावात का मुतालबा, नारों के जरिए मसाइल की निशानदही, ख्वातीन के साथ मर्दों की भी इजहार यकजहती के लिए शिरकत। ख्वातीन के आलमी दिन पर रैलियां, वॉक, सेमिनार्स और तकरीबात। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुजाहरा, अफगान ख्वातीन को तालीम समेत बुनियादी हकूक देने का मुतालिबा। लाहौर में ख्वातीन बाइकर्स ने रैली निकाली, पंजाब यूनिवर्सिटी शोबाए जेंडर स्टडीज के जरिए तमाम वॉक में तलबा और असातिज़ा की शिरकत, जमात इस्लामी का हया मार्च, रावलपिंडी में भी तालिबात की वॉक, पेशावर के निश्तर हॉल में तकरीब में पुलिस, दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन की शिरकत, मुजफ्फराबाद में कश्मीरी ख्वातीन की आज़ादी चौक से रैली, आज़ादी चौक पर धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर में हजारों लापता अफराद की माएँ, बहनें और बेटियाँ अक़वामे मुत्तहिदा से दादरसी का मुतालबा कर रही हैं। जिंदगी की जिद्दोजहद में ख्वातीन किसी से पीछे नहीं। कराची की 17 साल अलीशा वालिद के इंतकाल के बाद रिक्शा चलाकर जिंदगी की गाड़ी चला रही है। पेशावर की तल्लत शोहर का हाथ बटाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर लेकर खाना तैयार करती है। मीरपुर खास की 18 साल अफशा ने मजदूर बाप का सहारा बनने के लिए घर में ब्यूटी पार्लर खोल लिया। लाहौर की शुमाइला ताइक्वांडो में पाकिस्तान की पहली बैन अल-अक़वामी रेफरी का टाइटल हासिल करके मिसाल बन गई। इंसाफ दोनों पलड़ों को बराबर तोलता है। अदलिया के बारे में हमेशा ये शिकायत रही है, जो इंसाफ का तराजू है उसका झुकाव जो है वो किसी एक पलड़े में बहुत ज़्यादा हो गया। उनके कुछ फैसले ऐसे थे जिनकी वजह से अदलिया के इदारे पे तनकीद भी हुई और उस पर उंगलियाँ उठाई गई। इदारों के सरबराहों के लिए खुद भी ये ज़रूरी होता है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के अमल पर ज़रूर कार बंद हों। वफाकी वज़ीर-ए-क़ानून आज़म नज़ीर तारर का अदलिया को खुद एहतसाबी का मशवरा, कहा
तनकीद के सवाल का जवाब अपनी सफों में तलाश करें। इंसाफ तो तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर तोलना होता है। कुछ फैसलों में एक तराजू का झुकाव एक पलड़े की तरफ बढ़ रहा है। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोले, अदलिया बचाओ तहरीक चलाने वाले इमरान खान पहले अपना दामन देखें, वो अदलिया का तमस्खुर उड़ाते हैं, अपनी मर्जी से अदालत आते हैं। 3 माह से इस्लामाबाद की अदालत नोटिस और वारंट भेज रही है, वो टांग पर टांग रखकर बैठे हैं। इमरान खान की तोशाखाना केस में मुसलसल 7 अदम पेशियां। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में इमरान खान की अदम पेशियों की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान मुसलसल आइन की पामाली कर रहे हैं। 15 दिसंबर 2022 से अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए। इमरान खान अगर 13 मार्च को भी अदालत के सामने पेश ना हुए तो वारंट गिरफ्तारी दोबारा बहाल हो सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टैरियन को काजात नामजदगी में जाहिर ना करने के केस की समाअत गैर मुबैना मुद्दत तक मुलतवी। केस की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तबीयत नासाज होने की वजह से मुलतवी की गई है।